दोस्तों मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा निकली हुई है और बहुत ही रिसेंट में इसका नोटिफिकेशन आया है इस बात की संभावना है कि अगस्त में इसका एग्जाम हो जाए अब अगर हम देखें तो मई जून और जुलाई तीन महीने आपके पास हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि तीन महीने में आप कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जिसके माध्यम से आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाए और साथ ही साथ हम मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से आपकी पूरे के पूरे कोर्स में मदद कर सकते हैं तो ये तीन महीने का चैलेंज है यानी कि लगभग आपके पास हम ये मान के चल रहे हैं कि नाइन्टी टू हंड्रेड डेज हैं अपनी तैयारी करने के लिए इसमें आपको सारी की सारी तैयारी करनी होगी तो देखिए यहां पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपका सिलेबस के बारे में और किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं तो ये आपका सिलेबस है और इसमें टोटल मिलाकर आप देखोगे तो ये मिलाकर हमारी हैं लगभग 19 यूनिट्स अब सिलेबस जो है हालांकि अगर आप देखोगे टेक्निकली तो ये आपका इलेवंथ ट्वेल्थ का काफी सिलेबस कवर करता है कुछ चीजें एडवांस भी हैं लेकिन आपको जो लेवल लेके जाना है वो एम लेवल लेके जाना है यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि टॉपिक तो ये ले लीजिए जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बता देता हूं जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक लिया फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो आपने ले लिया लेकिन पूरा प्रयास ये रखना कि जो भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो आपको एम ए लेवल पर पढ़ना है यानी कि आपको परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ना है ओलिगोपोली भी पढ़ना है इम्परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ना है इसके अलावा मोनोपोली भी पढ़ना है ओलीगो डिओपोली भी पढ़ना है गेम थ्योरी भी पढ़नी है और इसका जो लेवल रहेगा हालांकि इसके सिलेबस में इसको केवल ये लिख के छोड़ दिया है मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डीओपोली ओलिगोपोली लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चैम्प्रलिंग मॉडल बोल दे अब यहां पे तो कहीं चैम्प्रलिंग मॉडल लिखा नहीं है या हो सकता है कि आपको क्रुनो मॉडल पूछ ले तो आप एग्जाम में कैसे बोलोगे कि भाई आपने सिलेबस में तो ये दिया नहीं सिलेबस में तो उन्होंने ओलिकोपोली दे दिया अब ओलिकोपोली के जितने भी मॉडल्स हैं चाहे वो एक तरीके से कॉलेज ऑलिकोपोली के मॉडल हो या या कंपिटेटिव ओलिकोपॉली के मॉडल हो सारे के सारे मॉडल आपको पढ़ने पड़ेंगे इसलिए आपके लिए रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप सिलेबस ये लें लेकिन जो तैयारी करें वो एमए लेवल की करें जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे इसमें कहीं पर भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं लिखा हुआ तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स मत पढ़िए

अब जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो किस तरीके का बैंकिंग स्ट्रक्चर है डिटेल में आप पढ़ोगे तभी जाके सक्सेस मिलेगी क्योंकि देखिए सौ क्वेश्चन आने वाले हैं अगर सौ में से अस्सी क्वेश्चन तो सभी ले आएंगे अस्सी मार्क्स तो अस्सी क्वेश्चन तो सभी एग्जाम क्लियर कर देंगे लेकिन जो मेरिट बनेगी वो बनेगी अस्सी और पिचासी के बीच में यानी कि जो चार पांच क्वेश्चन का जो होता है वो सारा अंतर पैदा कर देता है तो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं देखिए हमने टोटल मिलाकर ये माना है कि आपके पास थ्री मंथ्स है और हम आपकी तैयारी इससे कराएंगे हमने सब कुछ लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट वीक में हम आपको करवाएंगे यूनिट फोर और यूनिट फाइव यानी कि ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट कराएंगे उसके बाद सेकंड वीक में हम आपको कराएंगे तो एटी, एटी से फोर्टीन तक आपको ये वाली यूनिट कवर होगी यानी कि अगर आप इसको बनाएंगे तो हमने पूरा प्लान तैयार किया हुआ है मई में आपको कवर करनी है माइक्रो और मैक्रो मई के अंदर आपको कवर करनी है माइक्रो और मैक्रो जून में आपको कवर करनी है स्टेटिक्स और इंडियन इकोनॉमी जुलाई में आपको इसका रिवीजन करना है एक बार और एक बार एक महीने में रिवीजन करना है और एक बार पंद्रह दिन में रिवीजन करना है कि दो बार रिवीजन और एक बार आपको जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है तो देखिए ये तरीका अगर आप अपनाएंगे इसमें मैं आपकी पीडीएफ दे दूंगा ये वाली आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर लें यानी कि आपको रिवीजन करना है जुलाई में और अगेन रिवीजन करना है अगस्त में तो अगर आप दो बार रिवीजन करते हो एक बार अच्छी तरीके से सिलेबस कवर करते हो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो हो सके क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करने को तैयार हो जाएंगे तो तो देखिए मैंने इसके लिए कोर्स कोर्स डिजाइन किया हुआ है है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। एक बार मिनट बेटा तो ये हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल जब आप एप्लीकेशन ये ओपन हो रही है आप सीधा आप क्या कर सकते हो प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो सिंपल से आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल लिखना है और ये इंटरफेस ओपन होगा यहां पर आपको स्टोर मतलब एप्लीकेशन के स्टोर में आप जाके सर्च कीजिएगा एमपी बस आपको एम सर्च करना है और एम जब आप सर्च करोगे तो देखिए ये तीन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे इसमें से मैं आपको जो बता रहा हूं एक तो ये बता रहा हूं ये तो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर का है जो कॉम्बिनेशन में है ये वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का है मध्य प्रदेश का और ये वाला कोर्स की हम बात कर रहे हैं यानी कि ये जो कोर्स है उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा के लिए है इसके अंदर आपको वीडियोस पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज और आपके डाउट सॉल्यूशन का मौका आपको मिलेगा तो जब आप इस एप्लीकेशन में आप जाओगे तो आपको इसके अंदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मिलेंगे यानी कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम मीडियम के के हो तो तो आपको अलग लेना, English medium के तो अलग लेना लेना है है इंग्लिश इसके अंदर दोनों ही कंटेंट है तो अभी मैंने क्या किया हुआ है मैंने अभी इसके अंदर यूनिट वन डाला हुआ है यानी कि ये देखिए हिंदी मीडियम में मैं आपको दिखा रहा हूं तो इस वीक में आप केवल इसकी तैयारी कीजिए यूनिट फाइव और यूनिट सिक्स की तैयारी कीजिए सॉरी यूनिट फोर और यूनिट फाइव की तैयारी कीजिए जैसे ही सात तारीख आती है हम अगली दो यूनिट आपके लिए अपलोड कर देंगे इसी तरीके से अगले दो महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगा यहां पे नोट्स है आप चाहो तो नोट्स को भी यहां तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि लॉक लगा हुआ है लेकिन आप इन नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो यानी कि नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो एक बार कोर्स खरीदने के बाद आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और टेस्ट सीरीज को भी डाउनलोड कर सकते हो तो यह टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे अगले वीक तक जो जो आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं मुझे बता दीजिएगा उसका नंबर मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको ज्वाइन करा दूंगा आ, उससे आप मुझे बताइए मैं आपको सॉल्यूशन करा के दूंगा यानी कि आपको क्या करना है ये हैल तरीके से वीडियो दी हुई है आप जैसे नंबर वाइज सब कुछ डला हुआ है जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा है सकारात्मक और नियामक अर्थशास्त्र ये आप पढ़िए समझिए अपने की नोट्स बनाइए जितना हो सके पॉसिबल अपने की नोट्स बनाने पर फोकस कीजिए की नोट्स का मतलब है सागर में गागर यानी कि जब तक आप की नोट्स नहीं बनाओगे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल है।, है और 60 पेज को मेरे की नोट्स आपके काम नहीं आएंगे आपके की नोट्स किसी और के काम नहीं आएंगे की नोट्स का मतलब है कोई एक ऐसा पॉइंट जिससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए जब तक आप वो नहीं बनाएंगे तब तक आप एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा वो की नोट्स को बार बार पढ़ा जाता है एक दिन में पूरी इकोनॉमिक्स को कैसे कर सकते हो नोट्स के, मांग मांग के अंदर जाओगे तो आपको सब कुछ सिस्टमेटिकल तरीके से अरेंज है तटस्ता वक्र की अर्थ मान्यता और विशेषता सीमांत प्रतिस्थापन दर टॉपिक का नाम लिखा हुआ अंदर डिटेलिंग वीडियो है तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए अपने कंसेप्ट को मजबूत कीजिए और नोट्स हैं उनसे भी आप हेल्प लीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए जो कि शॉर्ट हो की पॉइंट के साथ हो और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए देखिए यहां पे हमने प्रैक्टिस पेपर डाला हुआ है आप चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस है यानी कि जो आपने यूनिट दिया है उसी यूनिट का प्रैक्टिस है ये टेस्ट सीरीज है इसको सॉल्व कीजिए तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो अगले तीन महीने के अंदर आपका कोर्स अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा बच्चों फोर फीस है इस पर अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहो अगर मान लीजिए इस पर समय समय पर डिस्काउंट ऑफर भी आता है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लोगे मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स बता पाऊंगा तो बच्चों मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप तीन महीने के अंदर तैयारी करना चाहते हो तो ये बेस्ट कोर्स है आप बच्चों के लिए अगले दो महीने के अंदर हम आपको माइक्रो मैक्रो स्टैटिक्स और इंडियन इकोनॉमी सारा का सारा खत्म करा देंगे और टेस्ट सीरीज आपकी साथ साथ चलती रहेगी नोट्स आपके साथ साथ चलते रहेंगे आपकी पढ़ाई का जो पेस है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कवर कर पाओगे लेकिन मेरे हिसाब से हम तीन महीने के अंदर सिलेबस कवर कर देंगे और आपको एक बार रिवाइज भी करा देंगे तो दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही आपको समझा रहा हूं अगर आप चाहते हैं अगले तीन महीने के अंदर अपना कोर्स कवर करना तो आप हमारे साथ जुड़िएगा आपको एक ग्रुप और ज्वाइन करा देंगे जिससे कि आप टू वे कम्युनिकेशन रहे आपकी डाउट मैं सॉल्व कर सकूं मेरी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँ वो आप बता सकें तो वो सिस्टम भी रहेगा इस वीडियो में इतना ही थैंक यू